पूरे पूरे टैंक लगा दिया भाई, नहीं रुकेंगे, तीन में खींच दिया, तीनों खींच दिए। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them get. लॉन्चिंग के साथ साथ आज डेमो भी होएगा, और डेमो होएगा किसानों के साथ। मतलब मशीन छोटी है लेकिन कारनामे जो है बहुत बड़े बड़े हैं। आज जो है ना सर, किसान खुद चला के देख ले कोई। किसान खुद भी चलाएंगे, और आज यहाँ पे सात टाइन वाला, सात फाले वाला मैं आपको कल्टीवेटर भी चला के दिखाऊंगा जी। और जितनी ये अटैचमेंट पड़ी है सारी आज मैं बड़ी बड़ी अटैचमेंट लेके आया हूँ जी। जिस अटैचमेंट को आप कहोगे, जैसे कहोगे, उस तरीके से आपको सारा डेमो दूंगा जी। पूछ लो कि क्या, कौन सी अटैचमेंट चला के देखना चाहोगे, कल्टीवेटर या रोटावेटर? पूछे सर, हाँ पूछिए पूछिए। ठीक है सर, रोटावेटर चला दे। रोटावेटर चला दे सबसे पहले, रोटावेटर तैयार हो सर? बिल्कुल तैयार है जी, और आपको ऐसा रोटावेटर चला के दिखाएंगे जो आज तक पूरे भारतवर्ष में किसी ने नहीं आपको डेमो दी। बिल्कुल जी बिल्कुल, चलो जी। वाह भाई वाह, अब चलिए भाई, अब चलिए भाई सही। अरे वाह, अब रोड़ा मिचवा देना है सर मशीन में। ठीक है भाई साहब, जो बनाई है तो इसको पूरा प्रैक्टिकल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिर लॉन्च करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि ले आए और चला दिया। बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है। नहीं पहले है ना ये गियर छोटा था, इसमें मैंने सोचा भाई कभी ऐसा ही जोतती हुई। पूरा बना दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख लो भाई, इसने ना मिट्टी का गोबर बना देना है। बिल्कुल गजब भाई, काफी सारे खड़े, कोई चलाकर देखना चाहता हो तो भाई देख सकता है, मशीन रेडी है। ठीक है भाई। चलाओ भाई, क्या बात होगी ऐसा। चलो जी भाई, कभी ये अपने आप दिखाते हो मशीन को, ठीक है ना जी? ठीक है, सब क्लियर होना चाहिए ना। स्टार्ट कर दो एक बार, और टॉप गियर में देना भाई लगा के, दबाओ जोर से। अरे वाह गजब भाई, एक बंदा भी ऊपर जा लिया भाई मशीन के। लो भाई नंबर वन डेमो, ये देख लो भाई, गजब भाई गजब। ये देख लो भाई, बंजर जमीन में चल रही, और बांध देख लो भाई ने जोर है ना पूरे लगा दिए। रोकने की कोशिश है भाई मशीन को, गजब, दबेगी नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत अच्छी मशीन चल रही। इधर ले आओ, इधर इधर ले आओ। अच्छा अंकल जी, कैसी चली मशीन? बहुत बढ़िया चली है जी। बढ़िया चली जी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने भी चलाई जी मशीन? यस। अच्छा तो कैसी चली? बहुत बढ़िया चली। आरपीएम ड्रॉप करती है मशीन? नहीं सर। करती नहीं? नहीं। एक नंबर चलती है? एक नंबर। आपने हर कोशिश करी? हर कोशिश, पूरे जोर लगाए? पूरा जोर। ठीक है, आपने भी लगाए? लोड लेती है मशीन? नहीं दबती। तो सर जो ये हमारे भाई है, तीन किसान है, ये बोल रहे कि भाई बीच वाले कि मैं तो मशीन के साथ टोचन करके देखूंगा, ऐसा ही है ना जी? ठीक है, पालोगे टोचन? हाँ जी, हाँ जी। खींच दोगे? ठीक है, इनकी इच्छा है कि भाई मैं टोचन करके देख लूं, तो आप तैयार हो? अगर ये जोर में अश करना चाहते हैं जी, तीनों लोग चाहते हैं जी, तो मैं खुली छूट देता हूँ, चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ जी, और चैलेंज भी एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा जी, चल 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 चल।
बस। हाँ जी, कैसे जोर है मशीन में? जोर बहुत है, जोर बहुत है। ठीक है, कितना वजन है आप में? वजन मेरा है 73 किलो। 73 किलो पाजी में कितना है? 1 क्विंटल 10 किलो। एक क्विंटल 10 किलो। आपका कितना है जी? 80 किलो। ठीक है, 160 260 263 किलो वजन, 263 किलो। और मशीन में कितना है? मशीन की जो वेट है आज का, जो जितनी ये मशीन जहाँ पे रुकी हुई है जी, ये 125 किलो की है। 125 किलो दोस्तों मशीन में वेट है। और भाई इसके ऊपर ज्यादा 50 या 60 किलो का लड़का ये था। कितना वजन है? 60 किलो है। ये देख लो भाई, पैर है ना ऐसे गढ़ा रखे थे इन्होंने, आप वीडियो में देख लेना। ये देख लो भाई, ठीक है, कैसे जोर मारे? बहुत जोर मारे। दिखाना हाथ, ये देखो भाई। हाँ जी पाजी, बहुत जोर लगाया, जोर लगा, सांस चढ़ा दिया। हाँ जी, गाड़ी का इंजन हॉर्सपावर बहुत है। हाँ, इंजन पे तो मतलब आरपीएम तो बिल्कुल ड्रॉप करता ही नहीं। टायर इसका चेंज हो गया ना जी, तो 7 बंदे को खींच के ले जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सर डेमो तो हो गया? बिल्कुल हो गया जी। ठीक है, सभी किसान भाइयों ने चलाया, कैसा चला जी? बहुत बढ़िया, बढ़िया चला जी, कमल का। अच्छा जी, इंजन वगैरह लोड लेता है? नहीं नहीं नहीं, हर कोशिश करके देख ली, टोचन भी देख लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया। अच्छा सर, अब आते हैं मेन मुद्दे पर जी। अब मेन मुद्दा क्या है वो पता ही होगा आपको। बताइए जी। प्राइज, प्राइज, ठीक है। तो वो क्या रहने वाला है इसका भारी भरकम मशीन का? उसके देखिए भाई साहब, मैंने 13.5 HP का बनाया है जी, और इसमें 5.5 से 1.5 इंच ऊपर का मैंने रोटावेटर बना के दिया है जी। तो आप ही देखिए मैंने इसमें कितनी जान डाली है, क्या लगाया, इसका रेट क्या होना चाहिए? ये डीजल इंजन है सर, होना चाहिए कम से कम 1.25 लाख होना चाहिए। और नीचे आ जाइए, 1.20 होना चाहिए। और नीचे आ जाइए, 1.10 होना चाहिए। और नीचे आ जाइए सर, मैं फिर और नीचे इतना कर दूंगा, फिर आप फिर आप ये कहोगे बोला ये आपने क्या कर दिया। अरे भाई साहब, जो आप कहोगे वो कर दूंगा जी, मैं 95,000 कर दिया जी। ये 90,000 में दूंगा भाई साहब, मैं देख लो जी, सब कुछ छोड़ दिया जी, 90,000 में दूंगा। 90,000 बोले आपने, 90,000 तो 90,000 में। 13.5 HP है सर, 13.5 HP का जे 48 ब्लेड के साथ 5.5 फुट से 1.5 इंच ऊपर करके रोटावेटर दूंगा, और साथ में 2 अटैचमेंट भी फ्री में दूंगा जो जेब पड़ी हुई है। 5 अटैचमेंट है जी? 5 अटैचमेंट है। अच्छा, ये इसके साथ फ्री है? 5 नहीं फ्री है भाई। अच्छा जी, ऐसे मत करो भाई, मेरी लुटिया डे बोल हो गया। ठीक है ना जी, पहले तो रेट आपने करवा लिया जी। नहीं, मैं एक मिनट की बात कर रहे हो, एक बात और बोल रहा हूँ मैं जी, फिर आप बोलोगे कि मिस्टेक हो गया था, एक बार चेक कर लेते। अरे भाई साहब, चेक कर लिया, प्राइस चेक कर लेते भाई, मेरे किसान भाइयों, 13.5 HP है, डीजल है जी। मुझे किसानों के लिए कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरे किसानों के लिए, मेरे लिए सब कुछ है। 90,000 बोला है आपने, 90,000 सेल्फ स्टार्ट, 13.5 HP, साथ में 48 ब्लेड, 5.5 फुट का, साथ में 1.5 इंच ऊपर लगा के रोटावेटर दूंगा। इन 5 अटैचमेंटों में 2 अटैचमेंट है, कोई भी कस्टमर मेरा किसान भाई चूज करेगा, साथ में 2 अटैचमेंट भी साथ में आएंगे, 2 अटैचमेंट भी होगी साथ में आएंगे, प्लस रोटावेटर हो गया, 13.5 HP मशीन होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, 90,000 हो गए, 90,000। चलो जी, ठीक है भाई, इतने आदमी गवाह भी है यहाँ पे, ठीक है, और वीडियो भी बन रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, लाइव चल रहा है, सब कुछ लाइव है जी जी जी, ठीक है। तो दोस्तों, इसका मंगाने का जो प्रोसीजर है वो भी पूछ लेते हैं सर से। पर सर, वो तो सिंपल प्रोसीजर है, 33 साल से कंपनी चल रही है, सभी मेरे किसान भाइयों को पता ही है जी। आप अपना फोन नंबर से हमें फोन कीजिएगा, दिए गए नंबर पे, जो जहाँ पे आपको नंबर दिखाई जी, जी जी जी, उस पे हमें या तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम पूरी डिटेल आपको भेज देंगे। जो भी आपने प्रोडक्ट लेना है उसका स्क्रीनशॉट इस वीडियो का आपने भेजना नहीं भूलना है जी जी, उससे हमें पता चल जाता है स्क्रीनशॉट से जी आप कौन सी चीज मंगवाना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें मेरे पास 10 HP भी है, 7 HP भी है, फिर उसमें गलत हो जाता है काम, क्योंकि मैंने रेट ही ऐसा दे रखा है जी। इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं पूरी डिटेल दूंगा, अगर कोई और अटैचमेंट लेनी है तो उसकी PDF फाइल भेजूंगा जी। उसके बाद मात्र 5,000 रुपए आप कंपनी के अकाउंट में डालने हैं, और कंपनी के अकाउंट में जब 5,000 आगे, तुरंत ये मशीन आपके राज्य के लिए डिस्पैच कर दी जाएगी। अच्छा, और जब आपके राज्य में पहुंच गई, आपको सूचना मिल जाएगी कि आपके राज्य में मशीन आ गई है, बाकी की पेमेंट गूगल पे, फोन पे, राजा एंटरप्राइजेज के खाते में डाल के आपने हमें स्क्रीनशॉट या बैंक की पौथी भेज देनी है, उसके बाद हमने मेल करनी है कुरियर वाले को जी, उसके बाद मशीन आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। कहने का मतलब सीधी सीधी बात दोस्तों ये है कि आपने 5,000 रुपए बुकिंग अमाउंट जमा करवाना है, ठीक है, और 80,000 जो बाकी के हैं वो जब राज्य में पहुंच गए तब डालने हैं, जब मशीन आपके डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगी। बिल्कुल, ठीक है, तब आपको देने हैं।
एक सवाल और है जी, ठीक है, सवाल क्या आपको वो तो बताना ही है जी जी, गारंटी और वारंटी का। अरे भाई साहब, राजा इंटरप्राइज ने आज तक वारंटी नहीं दी जी, नहीं दी जी। हमारी गारंटी रहती है, हर चीज की गारंटी रहेगी, ब्लेड के टूटने तक की गारंटी रहेगी, क्योंकि इसमें ब्लेड भी इस प्रकार के लगाए गए हैं जी, ना जे ब्लेड घसेगा ना जे ब्लेड टूटेगा जी। एक साल की मेरी पूरी गारंटी रहेगी, कल को इंजन खराब हो गया तो इंजन चेंज कर दूंगा, गियर खराब हो गया गियर चेंज कर दूंगा, और ब्लेड खराब हो गया ब्लेड चेंज कर दूंगा, पर टायर की जो गारंटी है वो 6 मंथ की रहेगी, क्योंकि टायर घिस सकता है जी, टायर फट सकता है जी, इसलिए गारंटी है जो टायर की वो 6 महीने से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा जी, जी। टायर की 6 महीने की रहेगी, हालांकि कोई भी कंपनी टायर की गारंटी नहीं देती है, फिर भी मैं टायर की 6 महीने की गारंटी दे रहा हूँ और 1 साल की पूरी मशीन की गारंटी दे रहा हूँ जी जी जी।